कश्मीर के माचल सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए हैं। दो AK-47, दो पिस्टल और दो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आतंकियों से पाकिस्तान की करेंसी भी बरामद की गई है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, इसमें दो आतंकवादी मारे गए। इनके पास से देखिए क्या कुछ बरामद किया गया, वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दो AK-47 बरामद की गई है, दो पिस्टल हैं, दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए और इसके अलावा असलाह बरामद किया गया है। आतंकियों से पाकिस्तान की करेंसी भी मिली है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, देखिए पाकिस्तान की करेंसी भी इन आतंकवादियों के पास से बरामद की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जिस तरह लगातार सरहद उस पार से कई गतिविधियां करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके चलते सेना जो है खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सतर्क है। और कल एक बड़े ऑपरेशन में मछिल के टेकरीनार इलाके में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें दो मिलिटेंट जो है मारे गए। और इस तरफ अगर तस्वीरों में मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो आप देख सकते हैं जो हथियार है वो रिकवर किए गए हैं। दो AK-47, दो पिस्टल्स और चार हैंड ग्रेनेड तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। अब पाकिस्तानी करेंसी जो सबसे महत्वपूर्ण है, पाकिस्तानी करेंसी भी रिकवर की गई इन दो मिलिटेंट्स से। ये ऑपरेशन सख्त चुनौती भरे टेरेन में किया गया, क्योंकि पहाड़ी और जंगल वाला इलाका है तो सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और ज़्यादा रहती हैं। लेकिन बिना कोई चूक करते हुए सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन सफलपूर किया। मछिल के टेकरीनार इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वो लगातार इन इलाकों में सरहद उस पार से घुसपैठ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह सुरक्षा लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में सतर्क है, उसके चलते तमाम जो कोशिशें हैं घुसपैठ करने की वो नाकाम हो रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ इस पार घुसपैठ करने के प्रयास किए गए। दो AK-47 के साथ साथ पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं। ये कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो मिलिटेंट से बरामद हुई हैं। इस तरफ पाकिस्तानी करेंसी जो दो मिलिटेंट मारे गए हैं उनसे रिकवर की गई है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बर्फ़ गिरने से पहले लगातार कोशिश की जा रही है सरहदी इन इलाकों में कि घुसपैठ की जाए, लेकिन तमाम प्रयास जो है वो लगातार नाकाम हो रहे हैं।